मुझे नहीं लगता कि होमोसेक्सुअलिटी एक बुराई, मुझे लगता है दो मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको लगता है बुरा नहीं? मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। बॉयज को रात को हरासमेंट किया जाता है, मींस फॉर एग्जांपल के तौर पे उसको गलत कामों की तरफ लेके जाया जाता है। कौन से गलत काम? कौन से गलत काम पूछ रहा हूँ ना, कौन से गलत काम? वो आपको भी पता, वो मुझे भी पता। बताएं यार, आज खुल के ऐसी की तैसी यार। मैं नहीं डरता, मैं क्यों डरूं? मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है। क्या पाकिस्तान में आप ये समझते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है इसको लीगलाइज करना चाहिए? लीगलाइज कर देना चाहिए, हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं। देखिए, लड़की से लड़का लड़के से प्यार कर सकता है? कर सकता है। कायदे आजम ने एक सेक्युलर स्टेट बनाया था। सेक्युलर स्टेट ऐसा स्टेट होता है जिसके अंदर दो इंसान अपनी कंसेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लड़की लड़के से निकाह करना चाहती है, लड़का लड़के से निकाह के बगैर ताल्लुकात करना चाहता है, तो ये सब हो सकता है? हो सकता है। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। अच्छी बात थी, पाकिस्तान में कानून मौजूद था कि ये जो हम जिंस परस्त हैं ये एक दूसरे के साथ गंदी हरकतें नहीं कर सकते, इनकी शादी नहीं हो सकती, ये आपस में जिंस परस्ती नहीं कर सकते, ये आपस में ताल्लुक कायम नहीं कर सकते। ये कानून, शर्म आनी चाहिए हमें। बनाकर कौन गया था? अंग्रेज बनाकर गया था। 1860 का ये पेनल कोड है। 1857 की जंग आजादी जो हमने हार दी थी, लाखों हजारों जाने उसके अंदर गई थी, उसके बाद वो अंग्रेज आया यहां पर, उसने 1860 में ये कानून वजा किया कि ऐ मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के रहने वालों, हैं तो हम क्रिश्चियन, हैं तो हम काफिर, लेकिन ये कानून हम वो बना रहे हैं जिसके ऊपर एक दिन आएगा कि तुम भी, तुम्हें भी शर्म आएगी, तुम अपने ऊपर थूकोगे। यह कानून अंग्रेज ने बनाया था कि कोई सेम सेक्स मैरिज नहीं हो सकती, कोई हम जिंस परस्ती नहीं हो सकती, अंग्रेज ने बनाया था। और आज के मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर मुल्क बनाने वाले, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की असेंबली में बैठने वाले, उन्होंने ये जुर्रत की है 2018 में कि ये पाकिस्तान का पेनल कोड, ये शिक नंबर 377 कैंसल हो चुकी है। और कैंसल किसने की है? इस एक्ट ने की है। ये ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट 2018 ने, ये 1860 की बनी हुई ये शेख ये सजा कैंसिल कर दी है, क्योंकि इसके अंदर सेम सेक्स मैरिज अलाउ हो चुकी है। कोई भी मर्द औरत बनकर मर्द के साथ शादी कर सकता है, कोई भी औरत मर्द लिखवाकर दूसरी औरत के साथ शादी कर सकती है, तमाम हकूक उसको हासिल होंगे, तमाम मियां बीवी के जो हकूक इस्लाम में और जो मियां बीवी के हकूक कानून में मौजूद हैं, विरासत के, हकाइक के, लेन देन के, हक मेहर के, बच्चों के, सब उसके ऊपर लागू होंगे, उसको तमाम हकूक मिलेंगे। और ना सिर्फ मिलेंगे बल्कि इस कानून के तहत इससे मुतसादिम पाकिस्तान के अंदर जितने कानून हैं सब कैंसिल तसव्वुर किए जाएंगे। यानी कि ये जो ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट है 2018 का, इसकी जो क्लॉज नंबर 19 है, इसमें लिखा हुआ है दिस एक्ट शेल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर लॉ। कोई भी ऐसा कानून बना हुआ है जो हम जिंस परस्ती को रोकता है, जो इस गलाजत को रोकता है, जो इसके इसको मना करता है, वो तमाम कानून इसने कैंसिल कर दिए। अब जो चाहे गंदगी करता फिरे, गलाजत फैलाता फिरे, फहाशी फैलाता फिरे। और ये मैंने आपको पिछली दफा, पिछले पार्ट टू में बताया था, पार्ट टू में बताया था ये क्लॉज नंबर 5 प्रोहिबिशन अगेंस्ट हेरासमेंट
और इसके अंदर वर्ड लिखा हुआ है बोथ विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द होम, कि आप अपने बच्चे को नहीं समझा सकते कि तुम गे मत बनो, आप अपनी बच्ची को नहीं समझा सकते कि तुम लेस्बियन मत बनो। कोई उस्ताद अपने शागिर्द को नहीं समझा सकता कि ये हरकतें ठीक नहीं है, कोई उस्तानी अपनी शागिर्दा को नहीं समझा सकती कि यह हरकत ठीक नहीं है, कोई इमाम अपने जो मुक्तदीन है उनको नहीं समझा सकता, कोई मुदर्रिस अपने अवाम को नहीं समझा सकता, अपने सुनने वालों को नहीं समझा सकता, यह सब हेरासमेंट में आएगा। ये किसने बनाया कानून, कहां सो रहे थे पाकिस्तानी, किस किस ने इस खलाजत में, इस खबासत में अपना नाम लिखवाया, और अब भी वो कौन कौन है जो इस गलाजत और खबासत में अपना नाम लिखवा कर उसके ऊपर डिटाई से डटे हुए हैं। कहां है वो पाकिस्तानी कौम, कहां है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के गैरतमंद मुजाहिद, वो जो कटने मरने के लिए तैयार होते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हुर्मत पर। कैसे हो गया मेरे और आपके जीते जी ये पाकिस्तान में, और इसको तहफ्फुज दिया जा रहा है एक एक दिन, अल्लाह की कसम एक एक दिन जो पाकिस्तान में मैं और आप सांस ले रहे हैं और ये कानून मौजूद है, मैं और आप अल्लाह ताला के बागी हो रहे हैं, मेरा और आपका नाम नाफरमानों में लिखा जा रहा है। अल्लाह की कसम जिस जिसने इसमें नाम लिखवाया है, अल्लाह की कसम हमारी हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल ना करे, उसने अपना नाम कौम लूत में लिखवा लिया। कौन कौन थे जिसको मैंने और आपने वोट देकर असेंबली में भेजा, कौन कौन थे जिसको असेंबली वालों ने वोट देकर सेनेट में भेजा, वो कौन कौन थे जिनको हमने नारे लगाकर वहां पर भेजा, जिनसे हमने उम्मीदें लगाई, जिनको हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कायम करने के लिए भेजा था, वो कौन है मेरे और आपके मुजरिम, मेरे बच्चों के मुजरिम, आपके बच्चों के मुजरिम, मेरी बेटी के मुजरिम, आपकी बेटी के मुजरिम, मेरी माओ बहनों के मुजरिम, वो कौन है जिन्होंने इस जुर्म में, इस खबासत में, इस गलाजत में अपना नाम लिखवाया। मेरे और आपके ये सोने का वक्त नहीं है, मेरे और आपके उठने का वक्त है। अगर मैं और आप सोए रहे तो इन्हीं घरों में सोए होंगे, अल्लाह ताला पत्थर बरसा देगा आसमान से जैसे कौम लूत के ऊपर बरसा दिए थे, और अगर खामोश रहे तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वो हम जिन्स परस नहीं थी, वो ऐसी हरकत नहीं करती थी, वो नबी की बीवी थी, लेकिन उसकी सोच उन हम जिन्स परस्तों के साथ थी जो ऐसी हरकत करते थे, उसका तावन, उसका किरदार, उसकी बात उन लोगों के साथ थी जो ऐसी हरकत करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम नबी की बीवी को पीछे रहने वालों में से कर दिया, पत्थर जब बरसे तो उसके ऊपर भी बरसे। अगर अल्लाह ने किसी को बचाया तो लूत अलैहिस्सलाम को बचाया। लूत अलैहिस्सलाम कौन है जो इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले थे, जो इसको रोकने वाले थे। अगर पत्थरों की बारिश से रुकना है, आसमान से बरसती हुई आग से रुकना है, अगर अल्लाह ताला के गजब से बचना है तो उठ जाओ, खड़े हो जाओ इसके खिलाफ। अब बैठने का वक्त नहीं है, बहुत हो गया हमारे साथ खिलवाड़, हमारे घरों में घुसोगे अब तुम डिसाइड करोगे कि मेरी बेटी क्या करे, तुम डिसाइड करोगे मेरा बेटा क्या करे। अब वक्त आ गया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह डिसाइड करेगा कि मेरा बेटा क्या करे। अब वक्त आ गया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह डिसाइड करेगा कि मेरी बेटी क्या करे। अब वक्त आ गया है के मिंबर से उठने वाली है आवाज ऐवानों में जाएगी। अब वक्त आ गया है कि ये कागज के गलीज टुकड़े जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म को पामाल करते हैं, इनको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। ये कागज के गलीज टुकड़े जो सूद को जायज करार देते हैं, जो हम जिन्स परस्ती को जायज करार देते हैं, जो हर तरह की गलाजत को जायज करार देते हैं, अब वक्त आ गया है कि मैं और आप उठें और अल्लाह का नाम लें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत का नाम लें, और बता दें इनको कि ला ताअतुल मखलूक फी मासियतिल खालिक।
जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो किसी मखलूक की इताअत नहीं है। हम नहीं मानते इन तुम्हारे कागज के टुकड़ों को, हम नहीं मानते तुम्हारी इस गलाजत को, और ना ही हम चलने देंगे सूद का निजाम, ना ही चलने देंगे हम ये हम जिंस परस्ती, और ना ही किसी और तरह की गलाजत और खबासत। और अगर ना जागे ना उठे तो वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम है पहुंचा देना। जो पहुंचाने वाला है, रोकने वाला है, आप भी उसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि वही होगा इंशाअल्लाह जिसको अल्लाह ताला पत्थरों की बारिश से रोकेगा। और जो नहीं शामिल होगा, जो पीछे रहने वालों में से होगा, जो खामोश भी होगा, वो भी हकदार हो सकता है अल्लाह के इस अजाब का। मुझे तो इस कागज को हाथ लगाते हुए घिन आती है कि मेरे हाथ ना पाक ना हो जाएं।